चलिए बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर लोगों ने चाचा नेहरू को याद किया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने देहरादून की जेल में पहुंचकर पंडित नेहरू को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं, जहां पर पंडित नेहरू ने जेल में समय काटे थे, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। बता दें कि देहरादून की जेल में पंडित नेहरू ने भारत एक खोज पुस्तक की कई अंश लिखे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पत्र भी यहीं से लिखा था और आज नेहरू जी की मेज, कुर्सी, पलंग, चादर और टेबल क्लॉथ मौजूद है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारत की जीवांत शक्ति आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर नेहरू, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक अद्भुत तपस्वी है, युवा तपस्वी है, और उनकी तपस्या गांधी के आशीर्वाद के साथ समावेशित होकर और पटेल की संगठनात्मक शक्ति के जोर पर जो है देश की आज़ादी में एक बड़ा कारक बनी, और देश की आज़ादी के बाद जो आज का भारत दिखाई दे रहा है।